हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शुभी। भैया, कंट्रोवर्सी जो होती है सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं होती है, कहीं पर भी हो सकती है, ऑस्कर्स के अंदर भी हो सकती है। मज़ेदार हुआ ये, लेकिन मज़ेदार के साथ ना मुझे इसका परफेक्ट आंसर भी नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कुछ कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग के अंदर, मेरे पास परफेक्ट आंसर नहीं है इसका, तो हेल्प मी। क्योंकि हर बंदा हर सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है। अब देखो, जो क्रिस और विल स्मिथ का जो पंगा हुआ है, जिसके अंदर क्रिस ने शायद गाडा के बारे में कुछ बोला जो शायद उसके हस्बैंड विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बोला गया वो शायद उसको लगा कि मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन के ऊपर बोला गया, जिसकी वजह से वो बॉल्ड है, उनका कुछ इलाज चल रहा है। ज़्यादा मेडिकल चीज़ें मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मोटा मोटा शी इज़ नॉट कीपिंग 100% ऑल राइट, दैट्स अ रीज़न शी हैज़ कट हर हेयर, और जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। अब बात करते हैं कि जो विल स्मिथ है उसको इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया और वो उठा और क्रिस को जाके चपेट मार दी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है मोरालिटीज का, कि अगर जोक है तो जोक को लेके कुछ वर्बल इधर उधर करके भी आप आने जाने दे दिया जा सकता था, या फिर ऑफ स्टेज उसको वार्निंग दी जा सकती थी, जो भी है कि भैया डोंट मेक पर्सनल रिमार्क्स, आई डोंट लाइक इट। और क्रिस अगले दिन शायद सोशल मीडिया पे आके बोल देता कि यार माई अपोलॉजीज, आई डेंट मीन दिस। अब इसकी जगह पे विल स्मिथ ने अपनी फिस्ट पावर दिखाई और जाके चपेट मार दी। हालांकि क्रिस ने उस टाइम पे स्टेज को काफ़ी अच्छे से संभाला एंड ही मूव्ड ऑन, और वहाँ से फिर जब वो चपेट मार के वापस आया विल, तो बैठने के बाद चिकन चिल्ली फिर से चलती रही। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, क्योंकि वर्ल्ड डिवाइडेड है और होता ही है हमेशा हर चीज़ को लेकर डिवाइडेड। अगर मैं बोलूँगा ग्रीन शीट शर्ट अच्छी, टी शर्ट अच्छी लग रही है, तो 50 बोलेंगे अच्छी है, 50 बोलेंगे नहीं अच्छी है, तो मतलब कॉमन ही हो गया, चलो छोड़ो इसको। तो ऑप्शन नंबर वन ये है कि उसकी वाइफ के बारे में बोला, वो इमोशनली चार्ज था, वो उसकी वाइफ वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो उठा उसने चपेट मार दी, ठीक किया साले को, ठीक कर दिया। वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग इज दैट, द अदर वे इज दैट जो मैं बोलता ही रहता हूँ, PAUSE, गिव इट अ पॉज, गिव इट अ थॉट एंड देन रिएक्ट। तो क्या उसने जो इमीडिएट रिएक्शन किया वो ठीक था, या फिर उसको रुकना चाहिए था और ऑफ स्टेज उसको समझाना चाहिए था? बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज, आई मे बी रॉन्ग, जो क्रिस और विल दोनों मतलब दे आर बडीज, और वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मजाक बन गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो ब्लैक कम्युनिटी जो है वो भी थोड़ी सप्रेस टाइप की कम्युनिटी थी, नाउ उनकी अपराइजिंग हो रही है, तो काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक व्यू पॉइंट आ रहा है, अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे ब्लैक अगेंस्ट अ ब्लैक, ऐसा भी बोला जा रहा है। हालांकि मुझे इस टर्म से ही तकलीफ है, ब्लैक वर्सेज अगर ह्यूमन ही है यार सारे, बट एनीवेज जो भी बोला जाता है वर्ल्ड मैप पे, और यूएस में जिनको यूएस बड़ा अच्छा लगता है भैया, वो काफ़ी ज़्यादा रेस वाले जो है ना, अगेंस्ट रेसिज, ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म बहुत ज़्यादा करते थे वो लोग। बहुत सारी मूवीज़ और बहुत सारी सीरीज़ भी बनी है, अगर आपको बेस्ट सीरीज़ देखनी है ना, अगर जिसके अंदर आपको ये रेसिज्म दिखेगा, वो है अमेजोन प्राइम वीडियो की देम करके एक है, वो देखना, बड़ी खौफनाक है, वो खौफनाक है, उसके अंदर हल्का फुल्का सा हॉरर, हल्का फुल्का बिल्कुल, जैसे कहते हैं हिंट ऑफ दैट एंड ऑल रेसिज्म से भरा हुआ, बहुत बढ़िया बनाई है, मतलब वो है ऑस्कर मटेरियल, वो देखना ज़रा बहुत ज़बरदस्त है। बट वेब सीरीज़ को मिलता नहीं ना ऑस्कर, बट अदरवाइज दैट वन वॉज मेड वेरी वेरी नाइसली, ऑल द कैरेक्टर्स, डिस्क्रिमिनेशन परफेक्टली शोन एंड रिसर्च्ड ऑल्सो। सो एनी वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपके पास दो चॉइसेज हैं कि या तो विल स्मिथ ने ठीक किया, जाके चपेट मार दी, पढ़नी नहीं चाहिए थी, या फिर उसको पॉज देना चाहिए था PAUSE एंड देन यू कुड हैव गॉन बैक स्टेज एंड एक्सप्लेन्ड हिम हिज साइड ऑफ द स्टोरी, एंड मे बी फिर क्रश जो भी करता शायद सोशल पोस्ट डाल देता कि आई एम सॉरी। क्या होना चाहिए था, क्या कोई और थर्ड सिनेरियो होना चाहिए था, कॉमेंट करके जरूर बताएं।